नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के टेस्ट चल रहे हैं और लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। दोस्तों, आज है 26 अगस्त, लेकिन ये भाई जो हमारे 24 तारीख को टेस्ट था, आज वो घर पहुँचे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यदि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो मेरा नंबर आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, किसी भी वीडियो में कमेंट में आप लोग पढ़ सकते हो जिसमें उन्होंने रिप्लाई किया है, मेरा नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जो 26 तारीख आज है, मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूं, उस प्रत्येक एक्सपीरियंस वीडियो में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अपना अलग होता है और हर एक एक्सपीरियंस आप लोगों को पूरा अंत तक ध्यान से सुनना है, क्योंकि यदि आप कुछ नया चाहते हो, उन लोगों को भी पता चल चुका है कि ऑनलाइन तैयारी चल रही है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, डेली अपडेटेड रहिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। और आप लोगों को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, चैनल पर विजिट करो। आप लोगों को 50 से 55 वीडियो जो वहाँ पर डली हुई है, 55 और पार्ट टाइम इस 54 वीडियो जो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात के लिए इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये जो मेरा चैनल है एमसीजी एकेडमी ग्वालियर, इस पर एकेडमिक क्लासेस, आप यदि तैयारी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए आरआरबी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, सीटेट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और हमारे 8 से 12 तक की जो क्लास हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप पढ़ना चाहते हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करे रहिए, और यदि आप आरपीएफ की लगातार अपडेट चाहते हो, तो मैंने नीचे एक और चैनल क्रिएट कर दिया है, आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपके नीचे मिल जाएगा आरपीएफ टेस्ट के लिए, जो ऑल डिफेंस एकेडमी नाम से, तो उसको आप लोगों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उसी चैनल पर आएगा। इस चैनल पर हमारी एकेडमी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो ये क्या है, डिस्टर्बेंस होती हैं। साथ ही साथ एक और सूचना देना चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग यदि तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए फ्री में बुक्स भी आप लोगों को यहीं से उपलब्ध करवाई जाएंगी, ऑनलाइन तरीके से 10 या 20 रुपए में। जो बाज़ार की 500-500 रुपए की बुक्स होती हैं, वो आप लोगों को ऑनलाइन ही 10 या 20 रुपए में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यदि आप आरपीएफ का लगातार अपडेट चाहते हो तो। और आपके यदि कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप किसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मेरा नंबर आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट कर सकते हो, और उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से नोटिफिकेशन उसी पर आएगा। इन भाई का एक्सपीरियंस जरूर पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा, इनका जो है सिलेक्शन हो चुका है, 24 तारीख को इनका टेट टेस्ट था, तो इनका जो है एक्सपीरियंस को पूरा अंत तक पूरा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर, जो है आपका टेट टेस्ट हो गया, जी सर हो गया। आप जो है अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो, बिल्कुल सर। तो सर बताइएगा सर, किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, हर बंदे के लिए, क्योंकि हेल्पफुल रहेगा ये, हर बंदे के लिए आवश्यक है। और मेरे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो उनको भी आपको क्लियर करना है, और थोड़ा तेज बोलिएगा, ओके सर, जी सर, जी। क्योंकि उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड अच्छा तेज वॉइस में होना चाहिए, और हर एक पहलू को इस प्रकार से समझाना है जिससे बंदों के मन में कोई डाउट ना रहे। और ओके सर, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे जो एमसीजी एकेडमी के नीचे मैंने एक और चैनल बनाया ना आरपीएफ के लिए, हाँ सर, सर उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से नोटिफिकेशन उसी चैनल पर आएंगी। इस वाले चैनल पर सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है स्टडी मटेरियल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जैसे आरआरबी की टारगेट बैच शुरू हो चुके हैं, आपने देखा होगा। जी सर, और सर जो अपने सीटेट के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, और मतलब अपनी क्लास हैं 8, 9, 10 की, ये भी एकेडमी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो इस वाले चैनल पर यदि आप पढ़ना चाहते हो, तो इसी वाले चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इस पर आपको फ्री में किताबें और बुक मटेरियल सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। उस पर आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम होंगे, उस पर सारी की सारी प्रिपरेशन उस वाले चैनल पर आपको करवाई जाएगी, जो मेरे मेन चैनल के नीचे है, अंदर आप विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके सर, तो बताइएगा सर, किस प्रकार से क्या क्या टेस्ट हुआ, आपका शुभ नाम और ट्रेड बताइएगा सर। मेरा नाम सर विकास कुमार है सर, जी। सर मेरा 24 तारीख को था स्वीपर टेस्ट से, यस सर, तो सर इसमें देखे कि सर बिल्कुल शुरुआत से बताइए सर, आप कितने बजे पहुंचे, कैसे क्या हुआ सर। मैं सर एक दिन पहले गया था, 22 को गया था, मतलब 22 को चला इंदौर से, 23 को सुबह 6:30 बजे पहुंचा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हाँ सर, वहां से 10 रुपए की वो लिए मेट्रो बस, टिकट बनवाए, सराय रोहिल्ला पहुंचे स्टेशन, वहां से मतलब 12 किलोमीटर की दूरी है। हाँ सर, हाँ तो जी सर फिर वहां गए, तो मैं जो मतलब 23 तारीख को जिनका था, मेरा 24 को था, उससे पहुंचे तो बहुत सारे लोग बताए कि धांधली चल रही, सेटिंग चल रही है। एक्चुअली ये था सर कि लड़के बहुत ज्यादा है, कंपटीशन तो बहुत है। हाँ, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है सर, लड़के जाना है तो कंपटीशन तो बहुत है ही। हाँ, तो उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि लड़के निकले, कुछ लड़कों को लेते हैं,
तो सर 20-20 का बैच बन रहा था। हाँ फिर अंदर जाके मतलब जो टेस्ट का इंटरव्यू होता था, 10 का मतलब 20 में दो पार्ट बनाते। पहले 20-20 बंदों का बैच बनाते हैं, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होने से पहले 10-10 बंदों का कर देते हैं, है ना। हाँ, उसमें ये देखे कि मतलब थोड़ा फिटनेस देखते हैं, पर्सनालिटी, पहनावा, हाँ ये सब वो हर चीज में टारगेट रखते हैं। हर चीज देखे जा रहा है मतलब। अगर मतलब कुछ पूछे नहीं, नाम पूछते हैं, मैं बारे में तो क्वेश्चन पूछे थे, पर जो मेरे बार वाला 10वां बैच का था, मतलब पार्ट टू मेरे बैच का, उसमें तो नाम पूछे तो उसमें एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था। हम लोग मिलते ये देखे कि मतलब पहनावा ओढ़ावा वहां ज्यादा जो ओवर नहीं बनता है, मतलब उनसे जितना पूछा जाए उतना ही बताएं, ऐसा है। फिर थोड़ा सा लक की फैक्टर है। और हाँ, ये भी कुछ मायने रखता है कि अगर मतलब दो तीन बंदे हमको सही समझ में आ रहे हैं, उनके एरिया से जो है उसको थोड़ी बहुत तो यही बस है, थोड़ी धांधली, बाकी ऐसा कोई सेटिंग नहीं। क्योंकि मैंने अभी बहुत लोगों से पूछा कि क्या भाई तुम्हारी सेटिंग थी ये वो, क्योंकि मेरा तो कुछ ऐसा नहीं था, तो सभी ने बताया नहीं यार कैसे हो गया, मुझको भी नहीं यकीन था। ये मुझे समझ में आया कि लड़के थोड़ा तैयारी करके जाएं, ज्यादा मतलब एडवांस ना बने, जितना बने उतना ही, अच्छे से अच्छा तैयारी करें तो चांस बनता है। तो मतलब सर आपका क्वालिफाई हो गया ना। सर मेरा तो हो गया, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था मेरा होगा। हाँ तो मतलब आप तो अपना पूरा एक्सप्लेन दीजिएगा, मतलब कितने बजे सर, किस प्रकार से, क्या क्या किया आपने। वही तो सर एक्सपीरियंस होता है कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप तो बिल्कुल इस प्रकार से बताइए कि आपको अंदर लिया, क्या क्या पूछा गया, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सपीरियंस में क्या होता है, एक्सपीरियंस में अपने हर एक मन की बात, हर एक बात बतानी है। तो बताइएगा जिस प्रकार से आपको अंदर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या करवाया। सर मैंने देखा कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा जो लड़के सेलेक्ट हो रहे थे उनका थोड़ा पहनावा ओढ़ावा सिंपल था। वैसे ही मैं भी मतलब जींस का पैंट पहना था, तो एक फॉर्मल पहना, नीचे मेरा एक्सपीरियंस था, क्या सर। एक फॉर्मल मतलब पैंट पहना नीचे, और मतलब जितने पास हो रहे थे उस सब ने देखे कि ऐसा ऐसा, जितना आपने पूछा वैसे ही मैं उतना ही बताया, बस यही था और कुछ नहीं सर। तो आपने हाल के हाल पैंट चेंज कर लिया मिस। जी सर, देखे कि फॉर्मल बंदे जो पास होने वाले से ज्यादा वो फॉर्मल और इधर से भी ज्यादा वो स्टाइल स्टाइल वाला लुक नहीं बनाए थे, क्योंकि वहाँ सर काम करने वाला वो होता है ना, इसके थोड़ा इस सब में भी थोड़ी बहुत ध्यान देते हैं और फिटनेस बहुत देते हैं सर। मैंने देखा कि जितने पास हुए लड़के वो फिट पर्सनालिटी के बंदे थे, फिटनेस देखते ऐसा हैं, किस बात की फिटनेस मीन्स। शरीर मतलब थोड़ा फिट रहे सर। जैसे जो बंदे मोटे होते हैं, पेट वोट निकल आ रहता है, सर आपसे क्वेश्चन नहीं किए, बस नाम वगैरह पूछ रहे हैं कि किस स्टेट से हो, तो फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, और खड़ा होने का तरीका मतलब उनके पास कैसा है ये वो, ये सब में भी बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा हाँ मतलब हर चीज वो देखते हैं। सर, आप जैसे अंदर हुए तो उसके बाद उन्होंने आपसे क्या पूछा। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, एक्सपीरियंस आपने ये बताइए। अभी मेरी एक आधी वीडियो देखी है सर आपको, हाँ सर बहुत देखे थे। तो सर आप उसी प्रकार से एक्सपीरियंस दीजिए जिस प्रकार से देते हैं और भी बंदे। मतलब ये जरूर बताइएगा आपसे क्या क्या पूछा गया और क्या क्या मेरे उसने। से सर ये तो टिकिया सफेद वाली दी गई थी, जो क्या सर। साबुन साबुन जैसे था सर सफेद, जिसको बहुत लोग फिटकरी बोलते थे, पर हाँ सर वो फिटकरी भी नहीं है, वो कोई मतलब फिनाइल से बना वो पदार्थ है जो मतलब टॉयलेट से बदबू बाहर करता है खींच के, वो क्या है सर वो। तो हमको भी नहीं पता सर, मैं पर फिनाइल बोला था, कोई टिकिया है पता नहीं उसका क्या नाम है, ये तो मुझको भी नहीं पता, वही लोग बताए थे। और एक और बाटल दिए थे फिनाइल का था, तो उसको तो एक फिनाइल बोला तो सभी फिनाइल फिनाइल हर कोई बोलने लगा, पर मतलब एक दो लोग मतलब सूंघ के बोल रहे थे, मैं भी सूंघ के बोला हूँ, कि वो भी ऐसे बोल देते हैं कि बिना देखे तुम कैसे जानगे कि फिनाइल है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि बता देते हैं सही, पर मतलब उसको टच नहीं करते, सूंघते नहीं, ऐसा रहता। हाँ मतलब ऐसे कि तुम अंतर्यामी हो, बिना बताए तुमने कर लिया। हाँ, तुम देख के कैसे बता दिए, तो बंदे ने सोचा कि मैं तो सही बताया, पर क्यों नहीं करे, पर उनके सामने इतना तो चेक करना जरूरी रहता है। और एक सर आपके चैनल से मुझे फायदा हुआ था सर, कि वो जो डेटॉल होता है ना, उसमें अगर डेटॉल में पानी मिला दिया जाए तो उसका कलर सफेद हो जाता है,
ऐसा हो जाता है। तो बहुत तो ने बोला कि ये फिनाइल है, कुछ ने बोला कि व्हाइट विनेगर है, पर क्लियो डिटॉल था। तो मतलब सब लोग बोले, मुझे तो ये बाद में ध्यान आया कि ये तो डिटॉल है, हम बोले डिटॉल है, इसीलिए सर मेरा हो गया। तो मिस चैनल से आपको हेल्प मैं मिली यही मिस, सबसे अलग बताया था एक क्वेश्चन, बाकी आपको सर चैनल से हेल्प मिली ना, जी सर मिली हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो है कुछ इस प्रकार से और बताइए, उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद सर 5-5 बैच में झाड़ू लगाया, तो सर झाड़ू तो सब हर कोई सही लगा देता है कभी कभी, पर उनको तो लेना एक ही दो को है, तो मतलब इसीलिए वो हर चीजों को टारगेट रखते हैं कि मतलब स्किल डेवलपमेंट कैसा, पर्सनालिटी वो, और क्वेश्चन, और झाड़ू में भी जो जल्दी जल्दी लगा देता है ना, उसको भी थोड़ा इग्नोर करते हैं। बहुत जल्दी भी मत लगाओ, बहुत स्लो भी मत लगाओ। नॉर्मल एक स्पीड होती है। हाँ बहुत देखे कि मतलब 5 लोग एक साथ लगाए तो एक लाइन से आगे पीछे होके, मतलब साइड साइड से ऐसे, तो बहुत सारे आगे निकल गए थे बंदे, बहुत सारे बीच में ही रह गए, कुछ पीछे ही रह गए। है हाँ ये सब में भी ध्यान देते, तो झाड़ू तो लगभग सभी लोग सही लगाते हैं। हाँ और भी उनको जो थोड़ा सबसे बेस्ट दिखता है उसी को सेलेक्ट करते हैं। उनका टारगेट है कि एक बैच में 2-3, इससे ज्यादा नहीं। 2 या 3 बंदे सिलेक्ट करना एक बैच में, मीन 20 बच्चों के बैच में या 23 वो 10 बच्चों के बैच 20 के बेच में, में। किसी किसी 10 वाले में एक भी नहीं लेते हैं, और फर्स्ट में ही 3 ले लेते हैं, किसी किसी में 2-1 करके ऐसा करते हैं। मतलब ओवरऑल 3 तो लेना है, 3 से ज्यादा नहीं होता, चाहे 1 हो जाए 2 हो जाए, एक भी ना रहे। कभी कभी होता है कि एक भी नहीं लेते हैं। हाँ ये भी आपका कहना सही है सर। अब इतने सारे बच्चे हैं ना, तो सर उनका ये टारगेट है, अब कैसे उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकाला जाए। ऐसा तो उसके बाद क्या हुआ सर? हो गया सर, हम लोग का मतलब कितने लोग, कितने टोटल लोग सिलेक्ट हुए थे उस दिन सर? उस दिन हुए थे सर 53 टोटल। 53। फिर हम लोग को 6 बजे छोड़ा गया था सर, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2-2 बार हुआ, और बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि डॉक्यूमेंट इधर उधर, बहुत सारे सर। एक लड़का ऐसा भी होता है कि जो फीस में रिलैक्सेशन लेते हैं, क्या सर? फीस में रिलैक्सेशन लेते हैं छूट, जैसे 500 फीस थी ना जनरल ओबीसी की। हाँ 500 रुपये फीस थी। हाँ सर एग्जाम फीस 500 रुपए थी जनरल ओबीसी की, हाँ उसमें रिलैक्सेशन लेते हैं, मतलब कि इनकम आय प्रमाण पत्र कम करवा के लेते हैं ना बंदे हाँ अगर। हाँ वो जो लेते हैं तो उसका उनको पूरा प्रमाण ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में परेशान होंगे सर, क्यों? क्योंकि तो उनको एफिडेविट मतलब स्टाम्प वगैरह पे एफिडेविट पे बनवाना पड़ेगा कि मेरी इनकम कम है, हाँ और नहीं तो ही नॉर्मल रहेगा, या फिर नहीं भी ले गए तो उनको फिर से वहाँ डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। तो ये सर उनके लिए मोस्ट है कि मतलब जो फीस में रिलैक्सेशन लिए हैं, हमारे बैच में 3-4 थे ऐसे, उनको ये भी आपका कहना सही है। फिर से जाना पड़ेगा, उनको पैसा खर्चा होगा सर, इसलिए पहले से ही वो तैयार हो जाए। अगर फीस में रिलैक्सेशन लिए हैं तो उसका एफिडेविट के साथ पूरा। सर आप ये बताइएगा उसके बाद क्या हुआ सर? आपका कितने बंदों का उस दिन सिलेक्शन हुआ? 53 बंदों का हुआ सर, फिर 2-2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एक बार वही, एक बार वो नॉर्मल सर लेते हैं 1 स्टार वाले, फिर उसके हाँ बाद जो इंटरव्यू लिए थे वो वाले लेते हैं बाद में, फिर से वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को स्कैन करते हैं। हाँ स्कैन करते हैं हाँ जी सर, और बताइएगा मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये भी तो बताना है ना आपको, डॉक्यूमेंट सर एजुकेशन जितना भी हो। जितना आधे को। हाँ ये ज्यादा नहीं है, डिप्लोमा कोर्स वगैरह टेक्निकल नहीं, कि किसी बंदे ने ITI कर रखी है या फिर कंप्यूटर कोर्स, ये ज्यादा मायने नहीं रखता, मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हाँ इतना होना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो तो लेके जाए, अगर इधर उधर है थोड़ी बहुत अधूरा तो जरूरी नहीं। कोई आवश्यक नहीं है मीन्स। हाँ और कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण। ये भी आपका कहना बिल्कुल ही सही है। सर आप ये और बता दीजिएगा मतलब कि किस प्रकार से बंदे और भी सिलेक्ट हों सर? मेरा एक ही टारगेट मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे यदि अपने चैनल से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का जो सिलेक्शन होना चाहिए सर। वो तो है सर, तो जैसे अभी समय तो शायद बैटर कैरियर का 25 से स्टार्ट हो गया है, तो हाँ जिनको सर खाना होना अच्छी तरह से बनाने आता होगा वो बिल्कुल होंगे, हाँ और जल्दीबाजी ना करें, बहुत फास्ट भी ना करें, अच्छे से बहुत स्लो भी ना करें, अच्छा काम रहेगा तो जरूर होंगे सर।
हाँ ये भी आपका कहना बिल्कुल और फिर सर सही। जैसे अब लड़के धीरे धीरे ज्यादा होंगे तो काम ना भी देंगे, क्योंकि अगर सर काम देने लगेंगे तो इतने लड़के हैं, अगर हर किसी को काम का मौका मिला तो बहुत टाइम हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा इतना। ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है। इसलिए वो कुछ कुछ ऐसा करेंगे, कुछ पूछ भी सकते हैं खाने के बारे में, कोई भी आइटम कुछ भी, किसमें क्या रहता है वो क्या रहता है सब। मीन्स आपकी पूछताछी भी हो सकती है, आपसे कोई काम हाँ हाँ करवाया भी जा सकता है, नहीं भी करवाया जा सकता। हाँ नहीं भी करवाया जा सकता, इसके हिसाब से वो हर चीज की जानकारी ही रखें। हाँ ये भी आपका कहना सही है सर। और सर जैसे वाटर कैरियर है सर, तो इसके लिए ये भी पहनावा कि बाल बहुत लंबे ना हो, ये भी फैक्ट कुछ हद तक सही हो सकता है कि ये भी ना रखें, सिंपल लुक में रहे तो सही रहे। सर ये भी हेल्पफुल हो सकता है, मीन्स आपका कहना चाहिए। बहुत सारे लड़के देखते हैं एकदम बड़ी बड़ी बाल रखते हैं, तो ये भी फैक्ट रह सकता है कि भाई खाना बनाने में बाल तो झड़ते हैं, तो बाल की साइज भी छोटी रहे, डिसिप्लिन भी रहे, ये भी मायने रखता है सर, क्या सर डिसिप्लिन भी मायने रखता है सर। डिसिप्लिन बिल्कुल रखता है, क्यों नहीं रखता सर? कुछ लड़के ओवर ज्यादा बनते हैं सर, क्वेश्चन जितना पूछा गया उससे ज्यादा और ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, ये भी सब ज्यादा जरूरी है, जितना वो पूछे उतना ही। ये भी आपका कहना सही है सर। सर यही चीज और मतलब क्या क्या और क्या किया जाए बताइए सर, वो तो सिलेक्शन चाहिए जाए ज़्यादा। सर, और तो हो गया सर, सब उन्हीं के ऊपर है, कुछ लग भी फैक्ट रखता है सर, देखिए इतने सारे लड़के हैं तो उनको लेना तो दो ही तीन है। उनको लेना था 2 ही 3। हाँ हर बैच में इससे ज्यादा तो लेंगे नहीं, उसमें उनको जो सबसे बेस्ट लगेगा वो लेंगे। और उसमें भी उनको सबसे बेस्ट लगेगा वही लेंगे। हाँ अब कुछ ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत अगर उनके साइड का मिल गया, थोड़ी बेस्ट भी है तो उसको भी टारगेट बना लेते। कैसा अगर मतलब? ऐसा देखे सर जैसे मतलब 4-5 बच्चे उनको अच्छे लगे, कैसे अच्छे लगे, किस चीज़ में अच्छे लगे सर मतलब? मतलब उनका सर ट्रेड अच्छा गया, जैसे 20 का बैच बना ना, टोटल ऐसे 5 लोग थे जो पांचों बेस्ट थे, तो जो अधिकारी लोग हैं अगर उनके साइड का थोड़ी बहुत एक बच्चा मिल बेस्ट है तो उसको प्राथमिकता दे देते हैं, ऐसा मैंने देखा। बाकी ऐसा कुछ नहीं साउथ का, हम लोग तरफ बहुत थे, राजस्थान के बहुत सारे थे, एक दो MP के थे, उत्तराखंड बिहार साउथ के भी थे, हर तरह के लोग थे। तो मीन्स किस प्रकार से मतलब इन्होंने क्या क्या देखा उन बंदों का, मतलब क्या देख के, वही तो सर बंदों को बताना है कि देखते क्या हैं। टोटल चीज सर, डिसिप्लिन, पर्सनालिटी, बनाने का तरीका, हर चीज देखते हैं सर। हर चीज देखी जाती है ना, हाँ ऐसा, तो उससे मतलब हो जाएगा क्लियर ना। हाँ सर। ये भी आपका कहना सही है सर। और ये जैसे वाटर कैरियर वालों का है सर, तो ये बिल्कुल अब ये ध्यान दें कि उन्हें खाना बनाने के साथ साथ सर खाने की नॉलेज भी होनी चाहिए सर, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे ऑयल में अब आने वाले समय में हमें लगता है कि जैसे मेरे बैच में तो कुछ पूछे बाकी सबसे क्वेश्चन ही करते थे, तो आने वाले समय में भी पूछ सकते हैं कौन ऑयल में क्या क्या मिला रहता है, कैसे रहता है खाने। हाँ क्योंकि इसीलिए तो मैं हर दिन अपडेट होकर के वो ला लेकर के आता हूँ, यदि बंदों के लिए ये लेकर के मैं नहीं आऊँगा तो बहुत कुछ परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो वो भी जान रहे हैं ना कि सर ऑनलाइन माध्यम से बंदे अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको तो लेना कम ही है सर, निकालना तो है, इसलिए वो फंसाने की भी कोशिश करते हैं। उनको भी पता चल गया ये बात, तो मेरी भी समझ में आ रही है कि जो है बंदे ऑनलाइन कोई ना कोई चैनल है जो मतलब हर चीज़ क्लियर कर रहा है। हाँ वही ना, बहुत सारे जैसे बंदे देखे कि शुरू में तो कोई नहीं बताया, अब ज्यादा से ज्यादा बंदे बता भी देते हैं तो नया नया कुछ ना कुछ वो लाते रहते हैं, हाँ सो इसी उसका कारण वो बंदे भी सर तैयारी करें, नया नया क्या ला सकते हैं इसके हिसाब से। हाँ हाँ तो इसी कारण से हम भी पर डे अपडेट होते हैं। बस बच्चों से इतना ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करते रहें, जिससे क्या है हर बंदे तक बात तो पहुँचती रहे। सर और सर बताइए सर, आपको चैनल से हेल्प मिली? मिली सर, हेल्प तो मिली, सर बताइएगा कुछ बच्चों को जिससे बंदे और भी थोड़ा एक्टिवेट हों। बंदों के यही है सर कि तैयारी अच्छे से करें, चैनल के माध्यम से नया नया डेली अपडेट दें या कुछ अपनी भी दिमाग लगाएं। हर बंदे से मेरा यही कहना है कि आप अपना तैयारी करें, और आपका यदि हो जाता है तो हमें एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, जी क्योंकि सर, यदि आप एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे तो मैं फेक वीडियो सर मेरा बनाने का काम नहीं है। फेक यदि मैं बना दूंगा तो सर 4 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, चैनल बंद हो जाएगा, समझ रहे हो आप? जी सर, बिल्कुल हाल ही चैनल बंद हो जाएगा। चैनल अपन को बंद नहीं करना है, चलाना है। और सब बंदों को एक बात ये भी है सर, आपका कहना सही है, आपका सिलेक्शन हो गया। कुछ बंदों का ये भी कहना है सेटिंग है। अब बात कुछ ऐसी है सर कि यदि किसी बंदे का सेटिंग तो नहीं होगी, कुछ फैक्ट रखता है सर, अगर उनके साइड का हो गया तो थोड़ी बहुत अपनापन आ जाए, पर सेटिंग सर वो IPS लेवल के हैं सर, वो क्या करेंगे छोटी मोटी सेटिंग।
हाँ ऐसा ऐसा कि जैसे कुछ लड़की ना ऐसा दे, मैंने देखा ग्राउंड में गए तभी से किसी मतलब जो कांस्टेबल वगैरह है उनसे सर सर करके बात करते हैं, थोड़ा उनके पास ज्यादा अट्रेक्टिव रहते हैं और जाने होने में डिसिप्लिन दिखाने में ऐसा करते हैं, पर उनका भी सबका नहीं होता, हो सकता है शायद किसी का हो जाए, देखते हैं तो। मतलब इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है यदि वो ऐसे जाती हैं तो। हाँ हर किसी का नहीं पड़ता है, जैसे कुछ बंदे ने ऐसा किया, उन लोग ने बोला कि ये काम कर दो, कुर्सी हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा बहुत सारे बंदे करते हैं, हाँ पर हर किसी को नहीं, किसी एक को फिर टारगेट बना लेते हैं, अगर थोड़ा अच्छा है तो देख रहे हैं कि हेल्पफुल है तो ले लेते हैं ऐसा। बाकी सेटिंग तो मैं तो और जितने सारे थे बंदे उन सबसे पूछा कि तुम्हारा किसी से ट्रस्ट था, ये था, वो था, किसी ने बस नहीं बताया था। ऐसा तो मैं भी क्योंकि मैं मुझको भी लग रहा था कि सेटिंग ज्यादा चल रही, पर जब मेरा हो गया ये देखिए सेटिंग तो नहीं चल रही, हाँ थोड़ी बहुत ये चल रहा है कि अगर उनके साइड के हैं या थोड़ी अच्छे भी हैं तो उनको ले ले जा रहा है, ऐसा है। सर, आपके जो है नंबर कितने आए थे सीबीटी में? तो मेरे सीवीटी में आए थे सर 31 नंबर। देखिए सर आपकी मेरिट क्या होने के चांसेस सर? सर अब कुछ नहीं बता सकते, वो ये है कंपटीशन की जो और बंदे हुए उनका कितना है ये सब मायने रखता है, अगर वो लोग अगर ज्यादा वाले होंगे तो नहीं भी लगेगा, अगर एवरेज या उससे कम वाले हो तो लग भी जाएगा। तो सर आप प्रत्येक वीडियो को देखिएगा क्योंकि हर बंदे का मैं पूछता हूँ, जिससे आपको जो है एक टारगेट तो मिल जाएगा लगभग इतने पे हो जाएगा कि नहीं। ओके सर। सर मैंने वहां पूछा बहुत सारे कि आप कितने सीवी बनते, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, तो आधे से ज्यादा लगभग मेरे से कम ही था, कुछ लोग थे कि ज्यादा था, किसी का मतलब 40 था, 40+ में एक दो लोग मिले सर, बाकी सबका तो ऐसे ही था 30, 32, 25, 24, 35 ऐसे ही, क्योंकि हाँ ये भी एक बात है। वहां बहुत से निकल भी जा रहे हैं अच्छे नंबर वाले, ऐसा भी है। हाँ मायने नंबर कोई मायने नहीं रखता, सही है कि नहीं? सर हाँ ऐसे नंबर कोई मायने नहीं रखता, वो तो मायने यही बात रख रही है कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। जी सर, बार्टर करियर में तो सर बहुत सारे वर्ग हैं, तो कुछ भी कर सकते, जितने भी आने वाले सर वो हैं उसकी भी तैयारी करें, कौन कैसे बनता है, किसमें कितनी किसकी मात्रा रहती है, और बनाने का रूल ये सब भी सीखे रहें, डिसिप्लिन में भी रहेंगे तो होने के बहुत सारे चांस बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना कीमती समय दिया सर। और कुछ बंदों को मोटिवेट करना चाहोगे सर? बंदों को यही है सर कि अच्छे से जाएं, तैयारी करें, चैनल का सर हेल्प लें, नया डेली डेली कुछ ना कुछ बदलते रहता है, उससे भी सर कुछ हेल्प मिलता है, तो हाँ सर। डिसिप्लिन में रहें, तैयारी सर अच्छी से अच्छी करें। हाँ और सर एक बार डॉक्यूमेंट्स एक बार वो क्लियर कर दीजिए एक बार प्लीज। डॉक्यूमेंट यह है सर कि अगर जो फीस रिलैक्सेशन लिया है छूट, तो जरूर से जरूर अपना मतलब पूरा रिकॉर्ड ले जाएं और स्टाम्प पेपर में वो वेरीफाई करा लें कि वहाँ मेरी इनकम टैक्स मतलब वो इनकम आय जो है कम है, 50,000 से कम है, उसका मतलब प्रूफ अपने तहसील जो होता है ब्लॉक उसमें मतलब करवा के पूरी रिकॉर्ड लेके जाने, उन्हें फिर से लौटना पड़ेगा नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनका, ऐसा है। और मौका कुछ तो दे रहा सर? है सर, कोई अगर कोई लौटेगा परेशान होगा इससे पहले पहले से ही करवा लो, और कास्ट सर्टिफिकेट भी सर ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 से 3 साल तक, कास्ट सर्टिफिकेट 2 से 3 साल? 3 साल तक, हाँ ज्यादा पुराना हो तो फिर किसी किसी को वो करते भी हैं कि जाओ फिर से बनवाओ, तो फिर से उन्हें लौटना पड़ता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितना लगाना हो उतना लेके जाए। हाँ ये भी आपका कहना सही है। मीन्स कोई और ये और बता दीजिए, घर से कोई मतलब पंच वगैरह करके लाना हो कितना कितना डॉक्यूमेंट्स में कुछ? डॉक्यूमेंट सर जितना मतलब जिसकी कॉपी ले जाए ओरिजिनल भी ले जाए, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है सर, डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और इधर उधर टेक्निकल कोर्स की जरूरत नहीं है, हाँ ये भी आपका कहना सही है। जैसे बहुत से आईटीआई किए हैं ये सब ले लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, हाँ अगर बी या बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स है तो वो चल जाएगा ग्रेजुएशन की जगह, ग्रेजुएशन सर एक और ग्रेजुएशन भी किए हैं सर, बहुत सारे ऐसे कि डबल डबल कोर्स करते हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड लगा देते हैं, उतना वो नहीं लेते हैं। सर एक और हाँ बात बताइए सर, जो है आप अपना एक फोटो भेज सकते हो सर? जी सर भेज सकते हैं, जस्ट अभी भेज दीजिए सर, मैं इसको जल्द 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा, मतलब अभी से बनाऊंगा, 10 बजे तक अपलोड हो पाएगा। आप एक फोटो जरूर भेज दीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको भी तो लगना चाहिए कि हाँ एक्सपीरियंस शेयर किया था, सही है कि नहीं? जी सर जी सर तो जल्दी से जल्दी आप भेज दीजिएगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला सर, धन्यवाद सर, क्योंकि और जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं सभी से एक ही निवेदन है कि आप स्वार्थी ना बने, क्योंकि यदि आपका हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, जी सर तो एक्सपीरियंस जरूर ही शेयर करना चाहिए। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।